शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को सलाम। चेहलम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह दहली गेट से बरामद होगा। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगा। इस हवाले से जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर नवाब से। मुदस्सिर, कैसे इंतजाम किए गए हैं और बताइएगा जुलूस किस वक्त बरामद होगा? जी हाँ बिल्कुल जी, मैं इस वक्त मोची गेट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं उनके चेहलम के हवाले से जो ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, और क्योंकि यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं और जो अहल ईमान है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और इस हवाले से जो ख़ास तौर पर जो जलूस के रास्ते हैं और उनके जो रूट्स हैं उन पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो फुल प्रूफ हैं। और ये जो जलूस है उसका जो मरकज़ी ये जो जलूस लाहौर से बरामद होगा हज़रत इमाम हुसैन के चेहलम के हवाले से, वो जो अलफ शाह हवेली है वहाँ से बरामद होकर ये अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ कश्मीरी मोहल्ला जो है मोची गेट पहुँचेगा, जिसके बाद ये मुफ्ती कोहाटा बाज़ार भी जाएगा जहाँ वज़ीर खां मस्जिद है जहाँ पर, और इसके हवाले से दूसरी कश्मीरी मोहल्ला से होता हुआ रंग महल पहुँचेगा जहाँ पर ये नमाज ज़ोहरैन ये अदा करेंगे। और इस हवाले से दूसरी जानब ये देखा जाए ये हकीमा बाज़ार से होता हुआ तकरीबन रात 11 बजे के करीब जो है ये करबला गामे शाह जाकर इख्तिताम पज़ीर होगा, जबकि इस रूट्स के को जो मॉनिटर किया जा रहा है बाकायदा तौर पर वो सीसीटीवी कैमरों की तरफ से और जो सेफ सिटी अथॉरिटी की जानब से जो कैमरे लगाए हैं वहाँ से इनको मॉनिटर किया जा रहा है। जुलूस की तमाम निगरानी जो है कड़ी की जा रही है, जबकि ज़ायरीन के लिए जो आने का जो सिलसिला है उनकी जो इस जगह पर यहाँ पर जो रसाई मुमकिन है वहाँ पर तकरीबन 10 से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो सिक्योरिटी अहलकार तैनात है जिनकी मैनुअल तरीके से जो है उनकी चेकिंग की जाती है फर्दन, फिर उस तक उसके बाद जो है यहाँ पर तो वो अपनी एक्सेस बनाते हैं और जुलूस में शामिल होते हैं। जबकि अगर जुलूस की बात की जाए तो जुलूस जो अभी तक जो है वो बरामद नहीं हुआ है, वहाँ से अभी तक मजलिस जारी है, तो कुछ ही देर में वहाँ से जो अलग शाह हवेली है वहाँ से जो जुलूस बरामद होगा जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मोची गेट दरवाज़ा पहुँचेगा। मोची गेट दरवाज़ा पहुँचने के बाद जो है फिर अपने मुकर्रर और तारीखी जो है जो उनके रूट्स हैं उनसे होता हुआ जो करबला गामे शाह रात 11 बजे के करीब जो है इख्तिताम पज़ीर होगा। जी ठीक है, शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को सलाम। चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह दहली गेट से बरामद होगा। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर नवाब हमें बता रहे थे कि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, और ये बताया जा रहा है कि मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह दहली गेट से बरामद होगा, और इसके साथ साथ जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा।